हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करते हैं। दोस्तों, मैं बात इसलिए करने वाला हूँ, इसके दो रीज़न हैं। एक तो मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कल्पेश गर्ग, उस पर 5,30,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि मैं इस टॉपिक पर बात करने काबिल हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया था और उस पर महज 1.5 महीने के अंदर मैंने मोनेटाइजेशन ऑन कर लिया, तो अब मुझे पता है कि यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करता है, व्यूज़ कैसे आते हैं और किसी भी चैनल को किस तरह से ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूरी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसमें ऑल दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अपने स्कूल के दिनों को याद कर लीजिए। जब आप पहली कक्षा में आए, दूसरी में आए, तीसरी में आए, और याद कीजिए जब तक आप 10वीं क्लास में आए तब तक आपके पास सारे सब्जेक्ट होते थे, आपको सब्जेक्ट चॉइस नहीं करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही आप 11वीं कक्षा में आ जाते थे आपको सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते थे, और आप उन्हीं सब्जेक्ट को चॉइस करते थे जिनमें आपकी दिलचस्पी होती थी या जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते थे या फिर आपको अच्छे लगते थे। और उसके बाद दोस्तों, जब आप ग्रेजुएशन में जाते थे तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट और स्पेसिफिक हो जाते थे, और उसके बाद जब आप मास्टर डिग्री में जाते थे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट आपके पास रह जाता था और उस एक सब्जेक्ट के आप मास्टर कहे जाते थे। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को मैं यूट्यूब से जोड़ के बताता हूँ कि जब आप यूट्यूब पर नए नए आते हैं तो आप सब तरह के वीडियो डालते हैं, आपको शुरुआती दौर में ये पता नहीं होता कि जो मास्टरी है, आपका जो डीप नॉलेज है, वो किस टॉपिक पर है। लेकिन आप धीरे धीरे यूट्यूब पर काम करते हैं, 30-40 वीडियो आप जब यूट्यूब पर डाल देते हैं तो उनमें से एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है, आपकी जो मास्टरी है वो किसी एक टॉपिक पर हो जाती है। अब दोस्तों, आगे चलकर आपको क्या करना होता है। पिछली बार जब आपने 40 वीडियो डाले तो आपने किसी एक टॉपिक को टारगेट नहीं किया था, रैंडमली आपको सारे टॉपिक पर वीडियो डालने थे, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि आपको किस टॉपिक पर काम करना है। लेकिन जैसे ही आपके 2-3 वीडियो चल जाते हैं, ऑर्गेनिक व्यू उनके ऊपर आने लग जाते हैं, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक पर काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो 2-3 जो वीडियो हैं उनके आप पार्ट 2 पार्ट 3 और उनसे रिलेटेड सारे वीडियो बनाते जाइए। दोस्तों, YouTube का एल्गोरिदम है कि जब कोई एक वीडियो चल जाता है और आप उसका अगर पार्ट 2 बनाते हैं तो डेफिनेटली व्यूज़ आते हैं, अगर आप उसका पार्ट 3 बनाते हैं तो डेफिनेटली व्यूज़ आते हैं। सपोज करते हैं कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे और मेरे चैनल पर अगर आप देखेंगे तो टॉप वीडियो में अगर आप देखो तो ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाए तो उसे कैसे रिकवर करें, ये मेरा टॉप वीडियो है। तो अब दोस्तों, अगर मैं ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाए तो कैसे रिकवर करें, मोबाइल से कैसे रिकवर करें, लैपटॉप से कैसे रिकवर करें, 2 तरीके 3 तरीके 4 तरीके, इस तरह से मैं अलग अलग जितने भी वीडियो बनाऊंगा सारे वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। आप मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल आईडी क्या है, ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे रिकवर करते हैं। ईमेल से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सबके ऊपर मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि मेरा एक ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे रिकवर करें, वो वाला जो वीडियो है वो चल गया था, उसके ऊपर बहुत सारे व्यू आए थे, तो उससे रिलेटेड मैंने जितने भी बाद में वीडियो डाले तो उसके ऊपर व्यू आने लग गए। तो दोस्तों, यहाँ पर YouTube का एल्गोरिदम यही हमें बताता है कि अगर आपका कोई एक वीडियो चल जाता है तो उसके बाद में आप उस टॉपिक पर काम कर सकते हैं, उस टॉपिक को टारगेट करके आप दूसरे वीडियोस बना सकते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली व्यूज आते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया सिंपल सा, शुरुआती चरण में आप इस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके थोड़े बहुत व्यूज़ आने लग जाते हैं, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आने लग जाते हैं, तो दोस्तों आपको ज़रूरत होती है कुछ ऐसे टॉपिक की जिनके सर्चेज तो बहुत हाई है लेकिन यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोज़ बहुत कम है। मतलब कहा जाता है कि हाई सर्च और लो कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों, इसको भी सर्च करने के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, वो टूल आपको 300 से 400 रुपये महीना पे करके मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक है उसके सर्च कितने हैं और उसका कंपटीशन कितना है, हाई सर्च और लो कंपटीशन, इस तरह का अगर आप कोई टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वो कैसे करते हैं, कौन सी वेबसाइट है, ऐसे कौन से टूल हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और उस पर मैं आपको सर्च करके बताऊँगा कि आप अपना जो टॉपिक है वो किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अलावा यूट्यूब पर जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है उस पर जो वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं उस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं, जब रानू मंडल ट्रेंड कर रही थी तो उनका मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था, 3 दिन में मुझे लगभग
45 लाख व्यू उसके ऊपर मिल गए थे, अभी लगभग 50 लाख व्यू उस वीडियो पर होने वाले हैं। तो जो ट्रेंड होता है उस पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, 2-3 दिन में आपको लाखों व्यूज मिलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप गूगल ट्रेंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड पर आप अपने यूट्यूब पर कौन से कीवर्ड अभी चल रहे हैं, कौन से कीवर्ड लोग अभी ढूंढ रहे हैं, उनको भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं, जो हमें टॉपिक डिसाइड करने में मदद करती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। एक एक टॉपिक में ट्राई करूंगा कि आपको बताऊं कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसको टारगेट करके किस तरह से वीडियोस बनाए जाते हैं ताकि सारे ऑर्गेनिक व्यूज आ सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी मेरे चैनल पर लगभग 80% जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक व्यूज आता है। ऑर्गेनिक व्यूज का मतलब होता है कि यूट्यूब पर कोई सर्च करता है और उस सर्च रिजल्ट में हमारे वीडियोज अब दिखाई देते हैं तो उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आना, लोग सर्च कर रहे हैं किसी चीज को और वहां पर सर्च रिजल्ट में आपकी चीज दिखाई दी इसलिए वो वहां पर आए। अगर फेसबुक के द्वारा वो वहां पर आ रहे हैं, मैं भेज रहा हूं तो उसे ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। मेरी वेबसाइट है, अगर वहां से वो आ रहे हैं तो उसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। अगर आपने अपने यूट्यूब वीडियो को कहीं प्रमोशन करवा रखा है, वहां से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। लेकिन कोई बंदा यूट्यूब पर आया और किसी विषय का वीडियो वो ढूंढ रहा है, उसे कुछ सीखना है, अगर उसने वो टाइप किया और अगर आपका वीडियो वहां पर आ जाता है और वो सारे लोग अगर आपके वीडियो देखते हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक व्यूज कहा जाता है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक व्यू चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों आप भी हमेशा प्रयास करिएगा कि आपको जो भी व्यूज मिले वो ऑर्गेनिक व्यूज मिले। दोस्तों यहाँ पर मुझे 6 साल काम करते करते हो गए हैं। YouTube को अगर मैं अपने लफ्जों में आपको समझाऊं तो YouTube क्रिकेट के मैदान की तरह है। क्रिकेट की जो पिच होती है ना, बल्लेबाज वहाँ पर जितनी अधिक बैटिंग करता है उतना अच्छा वो खेल पाता है। बॉल कितनी तेज आ रही है, कितना उछाल है, वो कहते हैं ना बॉल उसको फुटबॉल की तरह दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर YouTube भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना यहाँ पर रहोगे तो YouTube का एल्गोरिदम आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जी हाँ अगर वीडियो को लाइक किया जाता है या डिसलाइक किया जाता है तो YouTube को समझ में आ जाता है कि इस वीडियो में कोई खास बात है। अगर वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाए तो YouTube को पता लगता है कि हाँ इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो वो वीडियो YouTube दूसरों को भी बताता है। अगर वीडियो को शेयर किया जा रहा है तो YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो कुछ अलग तरह का है। तो मतलब लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करवाना, सारी चीज़ें इंटरेक्शन से जुड़ी हुई है ऑडियंस के बीच में और आपके वीडियो के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है और ये YouTube का एल्गोरिदम जो है इन चीज़ों को पकड़ता है और पकड़ के बाद में आपके वीडियो को अलग अलग जगह पर वो दिखाता है। जैसे ब्राउज फीचर में है, गूगल सर्च में है, यूट्यूब ऐप में है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं बताने के लिए, शेयर करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे, क्या सीखना चाहेंगे। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ पर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।